गैटविक लंदन से एयर इंडिया की ये फ्लाइट कदरे ताखीर से रवाना हुई थी। पहले तो जहाज की लैंडिंग गियर में खराबी पड़ गई, उसके बाद एक इंजन प्रॉब्लम करने लगा, लेकिन इंजीनियर्स ने 4 घंटे की जान तोड़ मुशक्कत के बाद जहाज को उड़ान भरने की क्लियरेंस दिला दी थी। मौलाना कादरी ने ये 4 घंटे जिस तरह लाउंज में बेचैनी से गुजारे थे, वो तो उनका दिल ही जानता था। न जाने क्यों उन्हें इस दौरान मुसलसल धड़का लगा रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। जब से वो अमेरिका से पेरिस मुंतकिल हुए थे, उसके बाद से मुसलसल बेचैनी के शिकार थे। उनका इरादा तो जल्द से जल्द भारत जाकर बिजनेस संभालने का था, लेकिन उनके दोस्तों ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी थी। शायद वो मौलाना कादरी से कोई और कारनामा भी अंजाम दिलाना चाहते थे। पेरिस के मजाफात में जहाँ वो कयाम पजीर थे और दूर तक कोई भारतीय या पाकिस्तानी घराना आबाद नहीं था, उन्होंने पेरिस पहुँचते ही अपनी दाढ़ी से निजात हासिल कर ली थी और यहाँ मौलाना कादरी की बजाय अपना असल नाम मुंशी खैरुद्दीन के साथ रिहाइश इख्तियार की थी। अपनी दानिश में मौलाना कादरी ने हर वो निशान खत्म कर दिया था जो उनके माजी तक किसी को पहुँचा सकता, और अब वो बहुत मुतमईन थे। उस रोज अचानक ही उनके दोस्त तिवारी का फोन आया था, जिसने मौलाना से कहा था कि वो पेरिस से लंदन आ जाए जहां उनकी सीट बुक है, और एयर इंडिया के जरिए उनके दिल्ली पहुंचने के इंतजामात भी मुकम्मल हैं। तिवारी ने उन्हें कहा था कि वो खुद उनको लेने एयरपोर्ट पर आएगा, और इस दौरे की खुसूसी अहमियत के पेश नजर उन्हें हिदायत की गई थी कि वो किसी को न अपना तारुफ करवाएं और न ही अपनी भारत यात्रा के बारे में बताएं। मौलाना कादरी जब लंदन पहुंचे तो अपने होटल के कमरे में उनका वो पासपोर्ट और टिकट पहुँचा दिया गया जिससे उन्होंने सफर करके भारत पहुँचना था। इस पासपोर्ट पर जो लंदन के भारतीय हाई कमीशन से जारी हुआ था, उनकी तस्वीर के अलावा सब कुछ नकली था। उनका नाम उम्मीद रॉय और शहरियत भारतीय थी, और वो एक भारतीय हिंदू नागरिक की हैसियत से सफर कर रहे थे। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था जिसने उन्हें कुछ परेशान कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझा लिया कि यकीनन इसमें कोई मसलहत ही होगी और वो इस पर सोचे ही क्यों। मौलाना कादरी उर्फ उम्मीद रॉय ने एयरपोर्ट लाउंज पर बैठे बैठे यहाँ से स्कॉच की खरीद करदा बोतल 1/4 खाली कर दी थी। इसके अलावा बोरियत खत्म करने का और कोई तरीका उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। खुदा खुदा करके जहाज की रवानगी का ऐलान हुआ तो उन्होंने बाकी बोतल अपने हैंड बैग में ठूंसी और जहाज की तरफ चल दिए। उनकी ये आदत थी कि भारत रवानगी से पहले अपना शराब का कोटा यहीं से खरीद कर अपने पास संभाल लिया करते थे। उन्हें हमेशा इस बात का शक रहता था कि भारत में बाकी तमाम चीजों की तरह विलायती शराब भी नकली ही मिलती है। एग्जीक्यूटिव क्लास में मौजूद अपनी सीट में धंसते हुए मौलाना कादरी की नजरें बदस्तूर उस गुजराती एयर होस्टेस पर गड़ी हुई थी जो उन्हें दरवाजे से यहाँ तक बड़े एहतमाम से लाई थी और अब उनका कोट उतारने में मदद दे रही थी। मौलाना से कोट थाम कर उसने कतार के आखिरी हिस्से में मौजूद हैंगर्स में से एक हैंगर पर टांग दिया और खुद उनके लिए मशरूबात लाने चली गई। मौलाना ने दिल्ली तक इस एयर होस्टेस की जान नहीं छोड़ी थी और किसी न किसी बहाने से उसे अपने पास बुलाकर उससे बातचीत का जवाब निकालते रहे। रात एक पहर बीत चुकी थी जब जहाज दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मौलाना सीढ़ी से उतरकर जैसे ही जमीन पर पहुंचे, वहां एयरपोर्ट स्टाफ के साथ खड़े तिवारी ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनसे मुआनिका किया और उनका हाथ थाम कर उस कार तक ले आया जो रनवे के दूसरे कोने पर जहाज से कुछ फासले पर खड़ी थी। मौलाना को लेकर कार वीआईपी लाउंज के उस मखसूस हिस्से की तरफ चली गई जहां कोई आम शख्स घुसने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। तिवारी के साथ कार से उतरकर वो यहां आए और अगले चंद मिनट बाद उनका सामान उन तक पहुंचा दिया गया। एक मर्तबा फिर मौलाना कार में तिवारी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। तिवारी मौलाना को दिल्ली से बाहर शाहपुर के उसी खुसूसी गेट हाउस तक ले जा रहा था जहां रॉ के इंतहाई अहम मेहमानों का कयाम रहता था। इस गेस्ट हाउस तक पहुंचना किसी आम शख्स के बस की बात नहीं थी। गेस्ट हाउस के गिर्द 2-3 किलोमीटर तक मस्नूई घना जंगल आबाद किया गया था और उस तक जाने वाली वाहिद सड़क गेस्ट हाउस से करीबन 5 किलोमीटर दूर गेट लगाकर बंद कर दी गई थी। इस बंद गेट से सिर्फ वही गाड़ी गुजर सकती थी जिनकी मंजिल गेस्ट हाउस होती, दूसरी कोई भी गाड़ी उस तरफ नहीं आती थी। मौलाना कादरी एक मर्तबा पहले भी इसी गेस्ट हाउस की खुसूसी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा चुके थे। ये इनकी जिंदगी की सबसे हसीन रातें थीं जिनकी याद उन्हें आज तक तड़पाती थी। जब तिवारी ने उन्हें बताया कि उनका कयाम शाहपुर गेस्ट हाउस में है तो मौलाना की राल वहीं से टपकने लगी। वो चश्मे तसव्वुर से उन हसीनाओं को देख रहे थे जिनके पहलू में उन्हें यहाँ अपनी रातें गुजारनी थी। अरे वाह तिवारी साहब, भाई ये तो कमाल हो गया, यानी ऐसा जबरदस्त सरप्राइज।
भाई मान गए आप लोगों को। मौलाना कादरी ने भरपूर जोश और जज्बे से तिवारी का हाथ दबाते हुए कहा, अरे हुजूर, अभी तो आपके लिए ऐसे ऐसे सरप्राइज वहाँ मुंतजर हैं कि बस देखकर दंग रह जाएंगे। तिवारी ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, तिवारी साहब, आप इस बंदा इनाचीज को शायद शाहपुर पहुँचने से पहले ही किसी और जहान की सैर करवाने पर तुले हुए हैं। कादरी साहब ने मस्ती से सरशार लहजे में कहा, नहीं हुजूर, ऐसा मत कहिए। क्यों इस गरीब की नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? एक मरतबा आपको ठिकाने तक पहुंचा दूं, बस फिर सीधे आलम बाला पहुंच जाइएगा। तिवारी की मुस्कुराहट बरकरार रही। अरे बंदा परवर, क्यों हमारी जान लेने पर तुले हैं, कुछ तो बताइएगा। कारी पर अभी से नशा तारी होने लगा था। तफसीलात में जाने का इशारा तो नहीं हुजूर, बस ये जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी रात न कभी पहले आई थी न कभी आइंदा आएगी। तिवारी की मक्कारी बरकरार रही। गोया ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। मौलाना कादरी ने तो न जाने किस तरंग में ये बात कह दी थी, लेकिन तिवारी गड़बड़ा गया। अरे बंदा नवाज, कैसी बातें कर रहे हैं, हजार साल की उम्र है आपकी, हजार साल। तिवारी ने दांत निकाले। मौलाना कादरी ने शाहपुर गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका आगाज उन्होंने अगली सीट पर धरे अपने हैंडबैग की जेब से स्कॉच की बोतल निकालते हुए किया और उसके तीन चार लंबे लंबे घूंट हल्क में उंडेल लिए। उन्हें हैरानी इस बात पर हो रही थी कि मुतअद्दिद मर्तबा दावत देने पर भी तिवारी ने बोतल को हाथ नहीं लगाया था, हालांकि शराब उसकी मौलाना से ज्यादा कमजोरी रही थी। डरता है साला अफसरों से, उसने दिल ही दिल में उसकी हालत से लुत्फंदोज होते हुए कहा। तिवारी ने रास्ते में उनसे मुख्तलिफ नौयत के सवालात करके इस बात की यकीन दहानी हासिल कर ली थी कि मौलाना कादरी ने पेरिस से दिल्ली पहुंचने तक किसी को भी अपने इस सफर से मुतालिक कुछ नहीं बताया। उन्होंने पेरिस में मौजूद अपनी बेगम साहिबा और बरखुरदार से कहा था कि वो एम्स्टरडेम में बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और दो तीन रोज में लौट आएंगे। घर वालों के लिए ये कोई नई खबर नहीं थी कि वो जस्तजू करते। वैसे भी उनकी बेगम और साहबजादे उनकी घर से गैर मौजूदगी में ज्यादा खुश रहा करते थे। रेस्ट हाउस आ गया था। शराब के नशे में धुत मौलाना कादरी झूमते हुए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन अपने इस्तकबाल के लिए आने वालों की शक्ल पर नजर पड़ते ही उनका नशा हिरन हो गया। यहाँ के मामूल के मुताबिक तो किसी नाजुक अंदाम हसीना को उन्हें रिसीव करना चाहिए था, लेकिन ये तो इंतहाई मकरू शक्ल वाले दो चाट थे। आइए मौलवी साहब, आइए, हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत देर कर दी आपने। उनमें से एक ने मौलाना कादरी का हाथ आगे बढ़कर थामते हुए कहा। मौलाना कादरी को यूं लगा जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने झटका देकर उन्हें अपनी तरफ खींचा तो उनके 14 तबक रोशन हो गए। क्या बदतमीजी है ये, क्या मजाक है, उन्होंने कदरे गुस्से से तिवारी की तरफ देखकर कहा। मैंने कहा था मौलाना कि वहाँ बहुत से सरप्राइज तुम्हारे मुंतजर हैं, तिवारी ने कंधे उचकाते हुए कहा। और दूसरे ही लम्हे मौलाना कादरी के मुंह पर मौत की जर्दी ने डेरा जमा लिया था। उसे याद आ गया तिवारी ने तो ये भी कहा था कि ऐसी रात उसकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी, तो क्या इन लोगों ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है? टिश्यू पेपर की तरह मुझे इस्तेमाल करने के बाद अब मुझे गंदगी के ढेर पर फेंकने वाले हैं ये लोग, इस ख्याल ने उसे लर्जा कर रख दिया। तिवारी साहब प्लीज देखिए ना, ये तो अच्छी बात नहीं, इस तरह तो, उन्होंने जिबा होने वाली भैंस के बछड़े की तरह तिवारी की तरफ रहम तलब नजरों से देखा। देखिए मौलाना, मेरी या इन लोगों की आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपकी तरह हम भी हुक्म के पाबंद हैं, ये सब कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे। तिवारी ने उनकी तरफ देख कर अदाए बेनियाजी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करोगे तुम मेरे साथ, मुझे मारोगे? बस मैं तुम सबको फना कर दूंगा, तुमने ये सिला दिया है मेरी मेहनत का, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया तिवारी साहब, प्लीज प्लीज खुदा के लिए तिवारी साहब। मौत के खौफ से लर्जा मौलाना कादरी ने चाहा कि आगे बढ़कर तिवारी के कदमों से लिपट जाए, शायद इसी तरह उसे रहम आ जाए और उसकी जान बख्शी हो जाए, लेकिन दूसरे जाट ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और वो सामने दीवार से जा टकराया। साला धमकियां भी देता है, मिन्नत भी करता है, अबे जो अपनों का ना हुआ वो हमारा क्या होगा, अबे खुदा के वास्ते करता है हमारे काम, साले तुझे करोड़ों का फायदा हुआ है, अब तक बहुत अय्याशी कर ली बेटा तुमने, अब मरने के लिए तैयार हो जा, दूसरे ने गुस्से से कहा। मौलाना कादरी पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया था, उसने मुंह भर भर कर उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। अचानक ही तिवारी ने अपने पहलू से लटका साइलेंसर लगा पिस्तौल निकाला और जके बाद दीगरे कई गोलियां उसके जिस्म में उतार दी। साला बकवास बहुत करता है, उसने गुस्से से लाश को ठोकर मारते हुए कहा। हमने तो कोई और प्रोग्राम बनाया था सर, उनमें से एक ने कहा। सॉरी यार, फिर कभी सही, ये अकेला तो हमारे लिए अपनी कम्युनिटी से काम नहीं कर रहा, इस जैसे कई गधे हमारी बार बर्दारी कर रहे हैं, तिवारी ने कहा। क्रियाकर्म करवा दे साहब, दूसरे ने पूछा। हाँ, सुबह शमशान घाट पर ले जाकर जला देना, साला नाम का ही मुसलमान था, मैं कहाँ इसके लिए कब्र खोदता फिरूं। तिवारी ने पिस्तौल दोबारा होल्स्टर में डालते हुए कहा। जो हुक्म सर, पहले ने कहा।
कहा। दोनों उसके सामने ही लाश को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गए। तिवारी ने ड्राइवर की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसका मूड खराब हो रहा था, जिसे दुरुस्त करने का बंदोबस्त भी यहाँ ही मौजूद था। हेडक्वार्टर महफूज तरीन बम प्रूफ तहखाने में जहाँ वो मीटिंग कर रहे थे, आने वाले ज्यादा लोग वो थे जो यहाँ इससे पहले आए तो कई मर्तबा थे, लेकिन जहाँ आने और जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। बस वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक लिफ्ट में सवार होते, जिसके अंदर किसी तरह का कोई साइन नहीं था। लिफ्ट उन्हें लेकर पहले सीधी फिर दाएं हाथ की ट्रेन की पटरी पर सफर करती और एक कमरे के सामने का दरवाजा खुल जाता, जिससे निकलकर वो इस कमरे में आ जाते थे। वापसी भी उनकी इसी तरह होती थी। डीजी रॉ अपनी टीम के साथ मेज के एक तरफ, जबकि वजीर दाखला, वजीर खारजा और वजीर दफा दूसरी तरफ मौजूद थे। आप मुतमईन रहें सर, अब कादरी उन्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा, डीजी ने जानकी दास से अमरीका की रुदाद सुनकर कहा। शाबाश, मैं तो कहता हूँ इन साले मुसलों को साथ साथ फारिग करते रहा करो और मिल जाएंगे, बहुत जनसंख्या है इनकी, उदय शाम ने अपनी खुशी जताई। उल्लू का पट्टा, डीजी ने उसे दिल ही दिल में गाली देते हुए कहा। ये हमें समझाएगा कि किसे कब फारिग करना है, बुढ़ा खूसट साला दमे का मरीज। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मिनिस्टर साहब, वजीर दिफा माइकल ने कहा। अबे चुप कर चूड़े की औलाद, साला जाने किस गधे ने इसे मिनिस्टर बना दिया है, डीजी ने उसके मुतालिक दिल ही दिल में कहा। देखो गुप्ता जी, हमें तो अपनी जिंदगी में इस मुल्क को टूटते और भारत माता को मुकम्मल होते देखना है। कुछ भी करो, जल्दी करो, 11 सितंबर के बाद ऐसे हालात जाने फिर कब पैदा हों। जानकी दास ने, जो खुद को आरएसएस का इब्तदाई मेंबर कहने में बड़ा फख्र महसूस करता था, उसने कहा। ऐसा ही होगा सर, मिस्टर दास प्लीज, डीजी ने अपने मातहत की तरफ देखकर इशारा किया और डायरेक्टर सीआई मिस्टर दास उठकर उस बोर्ड तक गया जिसके जरिए उसे इन लोगों के अगले मंसूबे से आगाह करना था। उसने तफसीलन मिनिस्टर साहिबान को बताया कि अगले चंद दिनों में वो क्या करने वाले हैं और इससे पाकिस्तान पर क्या असर मुरतब होंगे। इस मुल्क को गैर मुल्कियों के लिए गैर महफूज मुल्क बना दो गुप्ता जी, उदय शाम फुनकारा। ऐसा ही होगा सर, डीजी ने रट्टा रटाया फिक्रा दोहराया। ये गिरजे वाली बात मेरे मन को बहुत अच्छी लगी है, माइकल ने चोंच खोली। इस तरह हम दुनिया को ये बता देंगे कि भारत ही ईसाइयों का कत्लेआम नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी वो बिल्कुल गैर महफूज हैं। उन्हें बात मुकम्मल करके उसने दाद तलब नजरों से बाकी लोगों की तरफ देखा। लानत है तुझ पर साले, क्रिश्चियन होकर अपने हम मजहबों के लिए ऐसे जज्बात रखता है, डीजी ने उसकी तरफ देखकर अपने दिल में कहा। ये बड़ा हाई टाइम है गुप्ता जी, बस आजकल में ही कुछ कर गुजरिए। उदय शाम ने, जो खासी जल्दी में दिखाई दे रहा था, उससे कहा। सर आपके इल्म में लाना था, काम तो शुरू हो चुका है, आप अगले 4-5 रोज में सुन लेंगे सब कुछ, डीजी ने कहा। बहुत मजा आएगा, जानकी दास ने सिस्कारी ली। थोड़ी देर तक डीजी और उसके मातहतों से मगज खपाई के बाद तीनों जिस तरह यहाँ आए थे उसी तरह वापस लौट गए। दोनों बहुत अरसे के बाद इकट्ठे हुए थे, अब तो उन्हें भी अपने असली नाम याद नहीं रहे थे। इस मर्तबा एक को हमीद और दूसरे को सईद नाम अलॉट हुआ था। हमीद और सईद ने 5 साल पहले देहरादून के कैंप पटवारी में इकट्ठे तरबियत हासिल की थी। दोनों का ताल्लुक एक सूबाई दहशतगर्द तंजीम से था और दोनों अपनी तंजीम के हुक्म पर ही तरबियत हासिल करने भारत गए थे। उन्होंने भारत में एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, क्योंकि दोनों अलग अलग जिले के रहने वाले थे। ना ही भारत के तरबियती कैंप में किसी को एक दूसरे से अपने असली तारुफ के साथ मिलने की इजाजत थी। ऐसा कुछ उनकी हिफाजत के लिए ही किया जाता था। दहशतगर्द तो जब कोई खतरनाक तरबियत हासिल करते तो अपने चेहरे नकाब से छुपा लिया करते थे, ताकि एक दूसरे की शनाख्त न कर सकें। एक बात का इल्म तो बहरहाल उन सबको था कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान ही में इन्होंने तखरीबी कार्रवाइयां भी करनी हैं। हमीद और सईद की बटवारी कैंप से रुखसती के बाद दूसरी मुलाकात 2 साल बाद तब हुई, जब उन्हें अपने इलाकों से बहुत दूर पाकिस्तान की शुमाली सरहद के नजदीक एक धमाका करने जाना था। लेकिन हमीद को इस बात का इल्म न था, ना ही सईद को, कि उनका दूसरा साथी कौन हो सकता है। दोनों जब पिशावर के एक होटल में इकट्ठे हुए तो उन्हें इल्म हुआ कि दोनों कौन हैं। उसके बाद वो अलग हुए तो दूसरी 3 मुलाकातें तकरीबन 2 माह के वक्फे से होती रहीं, जब उन्हें किसी मिशन पर इकट्ठे भेजा जाता, और आज वो करीबन 2 साल बाद फिर इकट्ठे हुए थे। इस मर्तबा उन्हें शायद जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन सौंपा गया था, लेकिन दोनों के लिए अब कोई भी मिशन खतरनाक नहीं रहा था। उन्हें सिर्फ दौलत से गरज थी, या फिर उस जिस्मानी अय्याशी से जो उनके एक इशारे पर उन्हें बहम पहुँचा दी जाती थी। तरबियत के आगाज में तो वो खासे इनकलाबी हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान आने के कुछ अरसे बाद ही उन्हें अंदाजा हो गया कि इनकलाब वगैरह सब बकवास है। इनकलाब सिर्फ इसी बात का नाम है कि अपने मुल्क में दुश्मन के कहने पर धमाके किए जाएं, बेगुनाहों को कत्ल किया जाए और हंगामा आराई करके अपनी हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। जिन सूबाई मफादात के नाम पर उन्हें वरगलाया गया था,
इसकी कोई हैसियत या अहमियत नहीं थी। इनके बड़े भी सिर्फ मफादात और फलाही मकासद हासिल करने के लिए इस किस्म के नारे लगाया करते थे, वरना तो उन्हें भी इस बात से कोई गरज नहीं थी कि सूबे या पार्टी के लोगों का क्या हाल है। उनकी तरफ से सब कुछ जाता जहन्नम में, उन्हें सिर्फ अपने जाती मफादात अजीज थे। दोनों को हस्ब साबिक अलग अलग हिदायात टेलीफोन पर मिली थी। उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि हिदायत देने वाला कौन है। कभी कभी अलबत्ता कोई अजनबी उन्हें काम करने का मुआवजा जरूर पहुंचा दिया करता था। दोनों सूबाई दारुल हुकूमत के रेलवे स्टेशन के नजदीक एक होटल पर आपस में मिले थे। इस मुलाकात से पहले भी उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो दोनों ही इकट्ठे हो रहे हैं। बस सईद को हिदायत मिली थी कि वो होटल इंडस के कमरा नंबर 208 में, जो उसके नाम पर बिक चुका है, कयाम करे, जहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी भी वक्त हमीद उससे मुलाकात करेगा। ये हमीद कौन है, इसका इल्म सईद को नहीं था, ना ही हमीद को इल्म था कि सईद कौन हो सकता है। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे से बेतकल्लुफी से लिपट गए। अपनी तरबियत के मुताबिक इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे को शनाख्त के लिए वो कोड वर्ड दोहराए जो उन्हें बताए गए थे। हमीद को किसी और होटल में कयाम का हुक्म मिला था और ये हिदायत भी कि वो अपनी कयामगाह से सईद को बाखबर नहीं करेगा, और उसने ऐसा ही किया। अब तक इन दोनों के दर्जनों साथी या तो पुलिस के हाथों मारे जा चुके थे या फिर गिरफ्तार होकर जेलों में सड़ रहे थे। इन दोनों के बचे रहने का राज भी यही था कि इन्होंने हमेशा तरबियत गाह में हासिल करदा ट्रेनिंग पर सख्ती से अमल किया था और राजदारी का एहतमाम करने में किसी कोताही का मुजाहरा नहीं करते थे। हमीद ने सईद को अगले रोज रात 8 बजे होटल के नजदीक एक जगह पर मिलने के लिए कहा था और अब वो उससे अलग होकर अपने काम पर जा रहा था। हमीद थोड़ी देर बाद ही उस ऑटो मार्केट के नजदीक पहुंच चुका था जहां पुराने मोटरसाइकिल फरोख्त हुआ करते थे। उसने खासे तरद्दुद और मुख्तलिफ दलालों से बहस मुबाहसा के बाद एक पुराने मॉडल की मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा था कि मोटरसाइकिल का इंजन बेहतरीन हालत में हो। वो खुद मैकेनिक था और इस बात का अंदाजा कर सकता था कि इंजन किस हालत में है। इंजन को रकम अदा करने के बाद उसने रसीद ले ली और एजेंट ने वादा किया था कि वो जब भी कहेगा कि मोटरसाइकिल उसके नाम ट्रांसफर करवा दी जाएगी। हमीद ने मालिक से ओपन लेटर लिया था और कहा था कि वो खुद अपने नाम करवाएगा। एजेंट ने अपने रिकॉर्ड के लिए हमीद को जो फॉर्म भरने के लिए दिया था उसमें हमीद ने बड़े इत्मीनान से खरीदार के नाम से शनाख्ती कार्ड नंबर तक हर इंदराज गलत करके उसे दे दिया था। अलबत्ता मोटरसाइकिल मालिक से हर कागज बड़ी छान फटक के बाद बहस मुबाहसा करके वसूल किया था ताकि एजेंट और मालिक दोनों को इस बात का पक्का यकीन हो जाए कि वो कोई दो नंबर आदमी नहीं। मोटरसाइकिल की टंकी उसने पेट्रोल से भरवा ली थी और अब मोटरसाइकिल पर सवार शहर में घूम फिर रहा था। उसने अपने मुंह पर हेलमेट चढ़ा रखा था जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं रही थी। यूं भी सरमा का मौसम होने की वजह से ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल करते थे। ये शहर हमीद के लिए कोई अजनबी नहीं था, वो इससे पहले मुतअद्दिद मर्तबा यहाँ आ चुका था और यहाँ की बेशतर सड़कों से आशनाई रखता था। इसके बावजूद उसने टारगेट एरिया के गिर्द 3 चक्कर लगाए और यहाँ से फरार के तमाम मुमकिन रास्तों का जायजा लेने के बाद शाम के बाद तयशुदा वक्त पर मुकर्रर मकाम पर पहुंच गया जहाँ सईद पहले से उसका मुंतजर था। दोनों ने सर्दी से बचने के लिए बड़ी बड़ी जैकेटें पहन रखी थी जिनमें आसानी से 8-10 हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल छुपाए जा सकते थे और अब दोनों टारगेट एरिया की तरफ जा रहे थे। ये शहर का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च था जहाँ आज बतौर खास वेटिकन से आई एक मजहबी शख्सियत के एजाज में तकरीब हो रही थी। इस तकरीब में शमूलियत के लिए मुल्क के कोने कोने से पादरी साहिबान इकट्ठे हुए थे। शहर का हर काबिल जिक्र क्रिश्चियन यहाँ मौजूद था। दोनों बड़े इत्मीनान से अपने गले में सलीब लटकाए गिरजे तक पहुंचे। मोटरसाइकिल उन्होंने ऐसी जगह पार्क की थी जहाँ से दोनों आसानी के साथ मोटरसाइकिल को हंगामे के बाद निकाल कर ले जा सके। वो खिरामा खिरामा गिरजे की तरफ जा रहे थे। गिरजा घर में पहुंचकर दोनों ने दरवाजों के नजदीक हुजूम में अपने लिए जगह बना ली। दोनों एक तरफ से कुछ फासले पर खड़े थे। दोनों ने अपनी घड़ियां एक दूसरे से मिला ली थी और अब उनकी सुइयों पर नजर डालकर एक दूसरे को भी कनखियों से देख रहे थे। मजहबी इज्तिमा अपने नुक्ता उरूज को छू रहा था। अब फादर जॉन फिलिप का खिताब था जो इस मुल्क में पादरियों की नहायत मोतबर शख्सियत समझे जाते थे। जैसे ही उन्होंने अपना खिताब शुरू किया दोनों ने एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखा, अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले और दूसरे ही लम्हे दोनों ने जेबों के अंदर ही हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल कर इस तरह अगली सीटों पर फेंक दिए कि उनके साथ खड़े लोगों को भी इस बात का इल्म न हो सके कि ये हरकत किसने की है। बम फेंकने के बाद उन्होंने सबसे पहले नजदीकी दरवाजे की तरफ छलांगे लगाई थी। उनके बाहर पहुँचने के साथ ही 2 जोरदार धमाके हुए और अंदर कयामत सुगरा बरपा हो गई। दोनों इस अफरा तफरी से फायदा उठाकर अपने पास मौजूद ग्रेनेड बर्क रफ्तारी से फेंक रहे थे। उन्होंने इस असना में 3-3 ग्रेनेड और फेंक दिए थे और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमलावर कौन है। हुजूम के दरमियान वो भी चीखते चिल्लाते बाहर निकले और मोटरसाइकिल तक जा पहुंचे। दोनों फुर्ती से मोटरसाइकिल पर सवार हुए। हमीद ने सईद को स्टेशन के नजदीक ड्रॉप कर दिया जहां उसे दूसरे सूबे तक जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी।
वो खुद मोटरसाइकिल स्टेशन की पार्किंग में खड़ी करके रिक्शे के जरिए अपने ठिकाने तक पहुंच गया। ये उसके एक दूर के रिश्तेदार का घर था। वो जब कभी इस शहर में आता अपने इसी रिश्तेदार के यहाँ कयाम करता, क्योंकि ये गरीब लोग थे और हमीद की तरफ से लाई गई 2 किलो मिठाई और 200-300 रुपए के तोहफे तहाई वसूल करने के बाद उसकी खिदमत में जुट जाते। सुबह वो मामूल के मुताबिक सोकर उठा और अखबार का मुताला करने लगा, जिसकी पहली सुर्खी ही रात वाले सानहे से मुतालिक थी, जिसमें 15 लोग मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए थे। उसने बददिली से अखबार एक तरफ रख दिया। मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं चचा, सिवाय मार धाड़ की खबरों के और कुछ होता ही नहीं, उसने कहा। हाँ बेटा, खुदा जाने किसकी नजर खा गई इस शहर को। चचा ने ऐनक नाक पर जमाते हुए अखबार उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते के बाद वो रेलवे स्टेशन की मोटरसाइकिल पार्किंग में गया, जहाँ सैकड़ों मोटरसाइकिलें रात से खड़ी थी और लोग अब लेने आ रहे थे। मोटरसाइकिल लेकर वो सीधा ऑटो मार्केट पहुंचा और एक एजेंट को बताने लगा कि इसने कल ही मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन अचानक आज इमरजेंसी आ गई है और अब वो उसे फरोख्त करना चाहता है। एजेंट ने मामूल के मुताबिक उसे बताया कि ये तो खटारा है और उसने बहुत महंगा खरीद लिया है। हमीद ने उसे अपनी गुर्बत, बेबसी और माँ की खतरनाक बीमारी का रोना रोकर कल की कीमत से 2000 रुपए कम वसूल किए और वहाँ से सीधा चचा के घर पहुँच गया। चचा और उनकी फैमिली के साथ वो टैक्सी किराए पर लेकर सैर के लिए निकल गए। 2 रोज इसी तरह गुजर गए और तीसरे दिन वो उनसे रुख्सत लेकर सीधा अपने घर चला गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।